अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राना शाह इंटरनेशनल। और आज हम बनाएंगे डेढ़ किलो दूध से 8 चीज़ें बनाएंगे हम 9 मिनट के अंदर अंदर। और हमने दूध को बॉईल करके इसकी दही बनानी है, दही के बाद हमने इसका मक्खन बनाना है, मक्खन से फिर हमने इसका पनीर बनाना है, पनीर से फिर हमने इसका देसी घी बनाना है, ये बनाना है। उसके साथ फिर हमने दही से ही हमने दही की जो लस्सी है वो बनानी है, और फिर हमने साल्टी लस्सी बनानी है और स्वीट लस्सी चाटी वाली बनानी है। और घी पकाने के बाद जो उसमें मावा बनता है, तो ये 8 चीज़ें बनती हैं। तो ये हम आपके सामने बनाता हूँ। और ये चीज़ हर जगह इस्तेमाल होती है, दही खानों में इस्तेमाल होती है, लस्सी जो है आपके मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, दही भी ठीक है, और ये जो मक्खन है आप इसको क्रीम के तौर पर खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, बाज़ार से क्रीम लाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो दूसरा हमने पनीर बनाना है, तो ये आप किसी भी स्वीट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 8 चीज़ें आपको बाज़ार से लानी पड़ती हैं, और आप घर में एक दूध से बना सकते हैं। दो दो तीन तीन चीज़ों की रेसिपी है और बहुत ईजी और आसान है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट में बताएँ, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दही को आप मुख्तलिब खानों में यूज़ कर सकती हैं, बहुत सारे खानों में दही डालती है, बेशुमार इसके फ़ायदे। और दूसरा जो हमने मक्खन बनाया, इसका मक्खन में बहुत डिशेस बनती हैं, चाइनीज़, पाकिस्तानी, कॉन्टीनेंटल बहुत सारी बनती हैं, इसलिए इस मक्खन को आप ज़रूर इस्तेमाल करें। ये देखिए कितना खूबसूरत पेड़ा ही बन गया है। तो आप इस दूध के अंदर से हमने जो 8 चीज़ें बनानी है, ये आप लोगों के काम बिल्कुल आएँगी। तो पनीर जो होगा, इसका फ़ायदा ये है कि आप स्वीट्स में जहाँ पे मर्जी इसको यूज़ करें। तो हम ले लेते हैं 1.5 किलो दूध ले लिया, और 0.5 किलो हमने इसमें डाल दिया है पानी। अब हमने इसको अच्छे तरीके से बॉयल करना है। ये देखें, अब मैंने इसको बॉयल करना शुरू कर दिया, और साथ साथ मैं हिला रहा हूँ ताकि दूध बाहर ना आए। और ये देखें, दूध इस तरह उबल रहा है, बॉयल हो गया है दूध। तो मैं इसको थोड़ा सा और बॉयल करूंगा ताकि इसकी अच्छी तरह से जो है ये बलाई बन जाए। और मैं इसको साथ साथ ये हिलाता जा रहा हूं ताकि ये साथ मेल्ट हो जाए। और ये जो मैं जिस तरीके से बना रहा हूं, आप बहुत इजी और आसानी से बना सकते हैं। तो अब हमने दूध को उतार लिया, मैंने एक कपड़ा ले लिया नैपकिन, उसके ऊपर मैंने रख के इसको ठंडा करने के लिए अब इसको हिलाते हैं ताकि दूध को ठंडा कर लें। जब ये ठंडा, थोड़ा नॉर्मल करना है इसको, बिल्कुल ठंडा नहीं करना। अब नीम गर्म हो चुका हुआ है, जब इसमें फिंगर चली जाए तो पता चलेगा ये गर्म नहीं है। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून दही डाल दी है, उसको मैं इससे हल कर रहा हूँ। अब ये इससे ये होगा कि हमारा जो दूध है ना, वो इससे जम जाएगा। ये मैं इसको थोड़ा सा हलाने के बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ। फिर इसको हमने कपड़े के चारों तरफ से हमने ना इसको ढांप देना है, चारों तरफ से इस तरह। देखें, ये कपड़ा भी मोटा कपड़ा आपने लेना है। मैंने ये देखें, ये मैंने नैपकिन जो लिया हुआ है, ये मोटा जो छोटा कंबल है, ये मैंने इससे दूध को ढांप दिया है। अब 4 घंटों बाद हमने इसको खोलकर देखा है, तो ये देखें, चेक करते हैं, 4 घंटों बाद ये क्या खूबसूरत दही जम गया है, बिल्कुल देखें दूध की जगह दही बन गया है। तो अल्लाह ताला ने क्या बरकत इस दूध के अंदर रखी है, बहुत सारी चीज़ें इसी से बनती हैं, चाय हम इसी की पीते हैं। तो अब देखें, मैं इसमें ये पौआ मैंने डाल दिया और इसमें मैंने जग के अंदर डाल दिया। ये देखें इस तरीके से दही, या देखें कितनी थिक दही बनी है माशाल्लाह। तो इसको मैं 10 सेकंड के लिए जो है बीट करूंगा ताकि मैं दही की लस्सी जो है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बाद लोग दही की लस्सी पीते हैं। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे, फिर इसको हम जूसर मशीन के ऊपर रख के इसको आपने तेज़ बीट किया तो लस्सी एक साइड पे मक्खन हो जाएगा, दही की लस्सी नहीं बनेगी। इसको हल्का सा झटका देना है, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना। इसको झटके से हमने बीट किया था, ये देखें अब ये बिल्कुल लस्सी बनकर आ गई है। जैसे आप हाथ से बीटर से करते हैं उस पर तो बहुत टाइम लगता है, ये देखें दही की कितनी प्यारी लस्सी बनी है। अब मैंने नेक्स्ट 3 मिनट के लिए बीट करना है। 3 मिनट को बीट किया है तो ये दही ऊपर आ गया। इसमें ठंडा पानी डालते हैं तो दही ये जो है ना मक्खन ऊपर आ जाता है, वही दही का। दही को अच्छे तरीके से बीट कर दिया हमने 3 मिनट के लिए, और ये देखें मक्खन मैंने साथ साथ इस तरह मैंने ये शीशे के बॉल छोटे में रख दिया। ये देखें मक्खन आ गया। अब मैं इसको मक्खन को हाथ पे उठा के इसका पेड़ा बना के दिखाता हूँ रोल सा। ये देखें,
ये वही मक्खन है ये आपके सामने जो मैंने बना के ये हाथ के ऊपर, ये देखे मैं कैसे इसको सर्कल कर रहा हूँ इस तरह, बहुत ज़बरदस्त बन गया। आप रख ले, मक्खन ख़राब नहीं होता, इसको इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ खानों में करें। तो आप बहुत सारी ऐसी जो पंसार की मेडिसिन होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, उनको आप इसके साथ खा सकते हैं, बेशुमार इसके मक्खन के बारे। अब मैं बनाऊँगा चाटी वाली नमकीन लस्सी। थोड़ी वो लस्सी डाली और इसमें पानी डाला ताकि ये पतली होती है, ये चाटी वाली लस्सी होती है। अब इसमें हमने थोड़ा सा जो है ना, ये देखे लस्सी तो आपको देखने में पता भी चल रहा है, इसमें थोड़ा सा हमने साल्ट डाल दिया है। तो अब ये हमारी साल्टी लस्सी तैयार हो गई है। तो अब हमने सात जग के अंदर हमने यहाँ से निकालेंगे और इसमें फिर डालेंगे शुगर, तो ये हमारी लस्सी तैयार हो जाएगी मीठी। ये देखें इतनी मैंने शुगर ले ली है, ये मैंने ले ली है 3 टेबल स्पून शुगर डाल दी है। तो इस तरीके से हमने इसको हल कर लिया है। अब ये जो हमारे पास लस्सी छिपड़ी है वो देखें, मैंने उसको हाफ से भी कम करके रख दिया। इसमें मैंने लीमू, हाफ लीमू मैं इसमें निचोड़ रहा हूँ, आधा लीमू, और साथ मैंने इसमें सिरका डाल दिया। अब इसका फ़ायदा ये है कि हमारा ये पनीर जो है ये फट जाएगा। अब हमने इसमें दूध जो है ये डाल दिया है, इसमें हाफ बोल दूध डाल दिया है। तो लीमू और सिरके का फ़ायदा ये है, एक तो वो ख़राब नहीं होगा, दूसरा उसने इस जो पनीर को इसमें फाड़ना है। तो अब ये देखें ये थोड़ा सा यूँ ही बॉयल हो रहा है, वो देखो ये पनीर फट गई है। तो ये करम आती सिरके की और लेमन की, इसने पनीर फाड़ दी है। तो अब ये देखें मैं जाली से इसको ऊपर उठा रहा हूँ, तो ये ऊपर अब ये देखें बिल्कुल जाली के साथ चिपक गई है, नीचे जो है पानी रह गया, ऊपर ये सारी ऊपर आ गई है, थिक सी बन गई है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेता हूँ ऐसे ये। तो आप ये इस रेसिपी को आजमाएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और खुशी भी होगी कि ये हमने चीज़ें घर पर बना रही हैं, इस तरह है भी ईजी है, तो कोई बहुत मुश्किल ये चीज़ नहीं है। तो अब मैंने जो मक्खन लिया था, मक्खन को हमने घी बनाने के लिए इसको हमने फ्राई पैन के अंदर हम इसको पकाते हैं। ये देखें अब मैंने जो मक्खन इसमें रख दिया, ये 3 से 4 मिनट में अपने हल्की लाइट फ्लेम के ऊपर पकाना है। तो उसमें आपने देख लेना है कि जब ये ऊपर से बिल्कुल ये इसका कलर चेंज होगा, ऊपर इसके जो है ना दही की तरह जो फुटकड़ी सी ऊपर आ जाएगी, ये जो डलियाँ सी बन जाएंगी वो हमारा मावा बन जाएगा, वो स्वीट में इस्तेमाल होगा। ये देखिए वाइट भी ब्राउन भी, उसको हमने इस्तेमाल करना है स्ट्रेनर में से। मैं इसको पुन लूँगा घी को, घी भी जो है हमारा ये बिल्कुल देखें रेडी के करीब पहुँच गया है। तो जो हमारा ये मावा बचेगा स्ट्रेनर के अंदर, उसको हम ये करेंगे कि जो भी हमने स्वीट्स बनानी है उसके अंदर आप उसे हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखें मैंने स्ट्रेनर लगाया, घी निकाल लिया और फ्राई पैन, और उस स्ट्रेनर के अंदर जो मावा जो पड़ा हुआ है तो वो हम उधर यूज़ कर लेंगे। ये देसी घी आपके सामने आ गया है, देखे बिल्कुल खालिस और खुशबू माशाल्लाह इसकी कितनी प्यारी। ये हम काम इसलिए बना कि हमने दही को दूसरी साइड पर हमने ज़्यादा यूज़ कर लिया है। ये जो हमने एक तो दही की लस्सी ज़्यादा बना ली है, दूसरी साइड पर हमने इसका थोड़ा सा जो है ये बनाया पनीर इससे ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसमें थोड़ा सा दूध हमने और डाला था, तो इसलिए ये पनीर बन गया है। इतना लस्सी मीठी भी बन गई है। तो यकीनन आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब आप नमकीन लस्सी चाटी वाली पिए, मीठी पिए, तो ये फ़ायदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।